बिस्मिल्लाहिर्रहमान स्टूडेंट, आज हमने 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। 4 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह गए हैं उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे साइन थीटा दिया गया है, उसकी वैल्यू दी गई है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास साइन थीटा, और बाकी जो 5 रह गए हैं उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन थीटा उसका रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा, और सेकंड हमारे पास कॉस थीटा उसका रेसिप्रोकल होता है सेकंट थीटा, और थर्ड जो है वो टैन थीटा उसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। टोटल जो है हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएंगे। तो लास्ट टाइम हमने क्वाड्रेंट को डिस्कस किया था स्टूडेंट, उसको दोबारा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ऑल इज पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड के अंदर साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड के अंदर टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। इसी तरह फोर्थ के अंदर कॉस थीटा और सेकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास जो है फोर्थ के अंदर नेगेटिव होते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में आप एंगल देख रहे हैं, इसका मतलब है पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, जितने भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालेंगे सबके साथ जो साइन लगाएंगे वो पॉजिटिव कर जाएंगे। स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा के माइनस हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू पुट करवाएं 12/13 होल स्क्वायर आ जाएगा, 12 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 144, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। यहाँ पे एलसीएम ले लिए तो हमारे पास आ जाएगा 169 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आ जाएगा 169, यहाँ पे 169 से कैंसिल तो क्या आ जाएगा 144। तो कॉस स्क्वायर थीटा की हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 25/169। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, ये कॉस स्क्वायर है, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा किसके ऊपर आ जाएगा 5/13 के, प्लस माइनस में आता है लेकिन क्योंकि पहला क्वाड्रेंट है इसलिए ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास टेन थीटा हम कैसे निकालेंगे, टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। साइन थीटा की वैल्यू यहां पुट करवाएं, साइन थीटा की वैल्यू है 12/13 और कॉस थीटा की स्टूडेंट जो वैल्यू हमने निकाली है वो क्या निकाली है 5/13। तो ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 12/5। इसी तरह हमने साइन के रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/ आ जाएगा साइन थीटा। स्टूडेंट यहाँ पे साइन की वैल्यू पुट करना है क्या है 12/13, तो दो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के नीचे फिर डिनोमिनेटर है तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी 13, तो हमारे पास कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 13/12। इस तरह कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंट थीटा होता है, सेकेंट थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/cos थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू यहां स्टूडेंट पुट करवाएं, कॉस थीटा की वैल्यू है 5/13, यहां पुट करवाएं 5/13, फिर डिनोमिनेटर है इसके नीचे फिर डिनोमिनेटर के लिए ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, सेकेंट थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास 13/5। लास्ट हमारे पास रह गया कॉट थीटा, कॉट थीटा जो है स्टूडेंट किसका रेसिप्रोकल होता है टैन का, 1/tan थीटा। तो यहाँ पे इसमें हम टेन थीटा की वैल्यू पुट करवाएंगे, टेन की वैल्यू थी 12/5, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/12/5, तो कॉट थीटा की हमारे पास जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट 5/12 आ गई। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखा है, सेकंड पार्ट है कॉस थीटा इज इक्वल टू 9/41 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी हमारे पास जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में, फोर में कॉस थीटा और सेकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे स्टूडेंट नेगेटिव होते हैं। हमने कॉस और सेकेंट को छोड़ के बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ नेगेटिव का साइन लगाया है। स्टूडेंट कॉस थीटा की वैल्यू ली, इसका रेसिप्रोकल होता है सेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा,
तो cos की वैल्यू इसमें यहां पुट करना है क्या है 9/41, तो secant थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 41/9, यानी डिनोमिनेटर का फिर डिनोमिनेटर है ये ऊपर शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट में हम sin थीटा की यहां से वैल्यू निकालेंगे, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 cos स्क्वायर थीटा होता है, तो यहां पे हम cos की वैल्यू पुट करवाएंगे, cos थीटा की वैल्यू है 9/41 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहां पे हम इसका स्क्वायर लें, 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 81 और 41 का स्क्वायर क्या होता है 1681। यहां पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1681 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं माइनस क्या आ जाएगा 81, तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1681 ये साइंस की अच्छी की वैल्यू हमें चाहिए, सिर्फ साइंस की अच्छी वैल्यू, इसलिए हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, साइंस की अच्छी का होल स्क्वायर रूट आ जाएगा, जहां पे भी हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे 1681। स्टूडेंट ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो sin थीटा किसकी इक्वल आ गया हमारे पास sin थीटा इज इक्वल टू 40/41। स्टूडेंट क्योंकि अब हमारे पास क्वाड्रेंट 4 है तो लिहाजा इसके साथ हम साइन कौन सा लगाएंगे नेगेटिव का लगाएंगे। नेक्स्ट इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू आप यहां पुट करवाएं तो क्या आए हमारे पास 40/41, नेगेटिव साइन साथ लगा दें कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -41/40। लास्ट स्टूडेंट हमारे पास जो रह गए वो tan थीटा रह गए, tan थीटा किसकी इक्वल होता है sin थीटा ओवर cos थीटा की इक्वल, sin की वैल्यू हमारे पास क्या थी 40/41 और cos की हमारे पास क्या है साथ नेगेटिव लगा दें cos की है 9/41, ये 41 से कैंसिल, तो tan थीटा हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा -40/9। इससे हम cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे, cot थीटा किसकी इक्वल होता है स्टूडेंट 1/tan थीटा की इक्वल होता है, tan की वैल्यू पुट करवाएं tan थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -40/9, तो cot थीटा स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा -9/40। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट पढ़ा, थर्ड पार्ट हमारे पास है cos थीटा इक्वल टू -√3/2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन क्वाड्रेंट थर्ड, इसमें हमारे पास जो एंगल देखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड में tan और cot दो पॉजिटिव होते हैं बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, tan और cot के अलावा बाकी सब के साथ हम क्या लगाएंगे नेगेटिव का साइन लगाएंगे, यहां शो भी हो रहा है नेगेटिव, इसका मतलब है कि ना पहले में है ना चौथे में, तो हम बता दिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे कि नहीं बताएंगे तो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। ठीक है इसका रेसिप्रोकल होता है cos का secant थीटा होता है स्टूडेंट, secant थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/cos थीटा के इक्वल, यहां पे आप cos की वैल्यू पुट करवाएं क्या है -√3/2, तो ये डिनोमिनेटर यानी कि फिर डिनोमिनेटर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, secant थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -2/√3। नेक्स्ट स्टूडेंट हम साइन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1-cos स्क्वायर थीटा, यहां पे स्टूडेंट आप cos की वैल्यू पुट करवाएं, cos की वैल्यू क्या है -√3/2 होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल तो 3/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। स्टूडेंट हम यहां से एलसीएम, यहां पे एलसीएम ले 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है 4-3, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, तो ये sin स्क्वायर है हमें sin की वैल्यू चाहिए, यहां पे हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, हमारे पास sin थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा +-1/2। अब क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए थर्ड में sin क्या होता है नेगेटिव होता है, तो sin थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा हमारे पास -1/2। इसका रेसिप्रोकल होता है cosecant थीटा, cosecant थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, यहां पे आप sin थीटा की वैल्यू पुट करना है स्टूडेंट, sin की वैल्यू हमारे पास क्या है -1/2, तो ये 2 फिर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो cosecant थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। नेक्स्ट है कि tan थीटा, स्टूडेंट tan थीटा किसकी इक्वल होता है हमारे पास sin थीटा cos थीटा की इक्वल होता है, sin थीटा की
लिए क्या है हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखें माइनस वन ओवर टू और cos theta की वैल्यू क्या है माइनस स्क्वायर रूट थ्री ओवर टू। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस से कैंसिल, ये टू टू से कैंसिल, तो tan theta की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ जाएगी वन ओवर स्क्वायर रूट थ्री। इसका रेसिप्रोकल होता है cot theta, तो cot theta इक्वल टू वन ओवर tan theta। स्टूडेंट यहाँ पे tan की वैल्यू पुट करना है क्या आ जाएगी वन ओवर स्क्वायर रूट थ्री, तो फिर डिनोमिनेटर के नीचे फिर डिनोमिनेटर इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास जो cot theta की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी स्क्वायर रूट थ्री ओवर वन, इसे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट थ्री। हमने देखा कि tan और cot साथ जो है वो पॉजिटिव है, बाकी सब सब नेगेटिव है क्योंकि थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नेक्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट करना है जो कि है tan theta equal to minus 1 over 3 and the terminal arm of angle is in second quadrant। सेकंड क्वार्टर में साइन थीटा और कोसाइन थीटा स्टूडेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास tan theta की वैल्यू दी गई है, हमें चाहिए इसके cot theta की, cos theta की, sin theta की, cosecant theta और secant theta की। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है secant square theta is equal to होता है 1 plus tan square theta। तो यहाँ पे आप tan की वैल्यू पुट करवाएं, tan theta की वैल्यू है माइनस वन ओवर थ्री होल आ जाएगा स्क्वेयर, वन प्लस वन ओवर क्या आ जाएगा थ्री का स्क्वेयर नाइन। स्टूडेंट आप नाइन यहाँ पे एलसीएम लेंगे, नाइन को वन से मल्टीप्लाई करवाएं नाइन प्लस वन, तो secant स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेन ओवर नाइन। तो हमें secant की वैल्यू चाहिए, secant स्क्वेयर है इसका स्क्वेयर रूट ले लेंगे, secant थीटा के स्क्वेयर स्क्वेयर से कैंसिल इज इक्वल टू आ जाएगा टेन का स्क्वेयर रूट वैसे लिखेंगे और नाइन का क्या आ जाएगा थ्री। इसका रेसिप्रोकल स्टूडेंट क्या होता है हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल होता है cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर होता है secant थीटा, secant की वैल्यू पुट करवाए हमारे पास है स्क्वेयर रूट 10 ओवर 3, तो cos थीटा स्टूडेंट किस इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 ओवर स्क्वेयर रूट 10। लेकिन सेकंड क्वार्टर में स्टूडेंट cos और secant क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, तो लिहाजा इसके साथ हम नेगेटिव का सिंबल लगा देंगे, नेगेटिव की अलामत लगा देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने फाइंड करना है sin थीटा, sin स्क्वेयर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप कॉस की वैल्यू पुट करवाएं, कॉस की वैल्यू हमने क्या निकाली यहाँ पे थ्री ओवर स्क्वायर रूट टेन, इसका स्क्वायर आ जाएगा वन माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल तो आ जाएगा टेन, टेन एलसीएम ले यहाँ पे टेन माइनस नाइन हमारे पास आ जाएगा वन ओवर टेन, ये वैल्यू हमारे पास आई है साइन स्क्वायर थीटा की। तो हमने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करी, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, साइन थीटा किस की करा जाएगा स्टूडेंट वन का स्क्वायर रूट वन ही होता है और नीचे आ जाएगा टेन। इसका रेसिप्रोकल होता है हमारे पास कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू वन ओवर साइन थीटा। स्टूडेंट यहाँ पे हम साइन थीटा की वैल्यू पुट करवाएंगे, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है वन ओवर स्क्वायर रूट टेन, तो ये डिनोमिनेटर के नीचे फिर डिनोमिनेटर इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे हमारे पास जो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट 10 ओवर 1, स्क्वायर रूट 10 ओवर 1, तो हम इसको स्क्वायर रूट 10 ही लिखेंगे। लास्ट हमारे पास रह गया है tan का रेसिप्रोकल cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा, यहां पे हम tan थीटा की वैल्यू पुट करवाएंगे, tan थीटा की वैल्यू है माइनस 1 ओवर 3, ये ऊपर हम इसे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस थ्री और वन, तो नीचे वन लिखने की जरूरत नहीं। स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास tan की वैल्यू के साथ cot की वैल्यू के साथ cos और secant की वैल्यू के साथ नेगेटिव है, sin और cosec के साथ क्या आ गया पॉजिटिव क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नेक्स्ट स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट करना है जो कि है sin थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट थर्ड। इसमें ये बताया गया है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। स्टूडेंट आप देखें अगर ये थर्ड में नहीं है तो पहले में अगर ये होता तो यहाँ नेगेटिव का सिंबल ना होता, अगर ये पहले में होता तो ये पॉजिटिव होता, बात क्लियर होगी, थर्ड में भी नहीं है और पहले में भी नहीं है। अब बात आ गई दूसरे की, फिर सेकेंड क्वाड्रेंट अगर हम बात करें तो सेकेंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, पहले में भी नहीं है और दूसरे में भी नहीं है, दूसरे में क्यों नहीं है कि साथ में नेगेटिव है,
और तीसरे क्वाड्रेंट की यह बात हुई है क्वेश्चन के अंदर कि थर्ड में भी ये नहीं है, इसका मतलब क्या है कि किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में होगा। किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा। हमने बाकी कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने फोर्थ क्वाड्रेंट को देखते हुए के साथ अलामत पॉजिटिव या नेगेटिव की लगानी है। स्टूडेंट यहां से हम इसका कोसेकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। कोसेकेंट थीटा साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, जो आ जाएगा हमारे पास कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। तो स्टूडेंट हम यहां पे साइन थीटा की वैल्यू पुट करवाएंगे, साइन थीटा की वैल्यू है -1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये डिनोमिनेटर के नीचे फिर डिनोमिनेटर है, ये वैल्यू ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, तो कोसेकेंट थीटा हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, -2 ओवर 1 के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। cos स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, 1 sin स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट यहां पे हम sin थीटा की वैल्यू पुट करवाएंगे, sin थीटा की वैल्यू आप पुट करवाएं, sin थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 1 ही, और 2 का से स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। यहां पे मैक्सिमम लेंगे, ऐसे आ जाएगा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 - 1, तो cos स्क्वायर थीटा किस इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर 2 के। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 2। हमारे पास ये cos स्क्वायर की वैल्यू है, हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसका रेसिप्रोकल हमारे पास में क्या होता है, secant थीटा। secant थीटा किस इक्वल होता है, 1 ओवर cos थीटा के इक्वल होता है। तो यहां पे हम cos थीटा की वैल्यू पुट करवाएंगे, cos थीटा की वैल्यू है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो फिर डिनोमिनेटर के नीचे फिर डिनोमिनेटर है, ये स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास secant थीटा किस इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 ओवर 1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में हमारे पास आएगा स्क्वायर tan थीटा। tan थीटा किस इक्वल होता है, sin थीटा ओवर cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू स्टूडेंट आप पुट करवाएं, -1 ओवर स्क्वायर रूट 2, और cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। इसका रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। cot थीटा स्टूडेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, 1 ओवर tan थीटा। यहां पे स्टूडेंट हम tan थीटा की वैल्यू पुट करवाएंगे, tan थीटा की वैल्यू है -1, 1 और -1 भी किसकी इक्वल आ जाएगा हमारे पास, -1 की। स्टूडेंट हमने देखा कि क्वाड्रेंट जो हमारे पास था वो फोर था, फोर क्वाड्रेंट में cos और secant दोनों पॉजिटिव होते हैं, इन दोनों के साथ जो सिंबल है वो क्या है, पॉजिटिव का है, बाकी सब के साथ नेगेटिव है। क्वेश्चन में देखिए साइन के साथ नेगेटिव दिया गया था, हमने एक तो secant थीटा की वैल्यू फाइंड की, उसके साथ भी नेगेटिव आया है, tan के साथ भी नेगेटिव आया है, और cot के साथ भी नेगेटिव आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। एक्सरसाइज हमारे पास वही 9.2 चल रही है, उसका क्वेश्चन नंबर है 5। स्टेटमेंट देखें, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 1, पहले क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड cosecant थीटा। अब स्टूडेंट देखें, अगर पहले क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है, अगर ये दूसरे में होता या फिर चौथे क्वाड्रेंट के अंदर होता, यानी सेकंड में या फोर्थ में होता, तो यहाँ नेगेटिव का सिंबल होता, क्योंकि सेकंड में भी cot नेगेटिव होता है और फोर्थ में भी नेगेटिव होता है, पहले में पॉजिटिव होता है और फिर थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो स्टूडेंट पहले में यहाँ स्टेटमेंट में बताया गया है कि पहले में ये नहीं है, तो इसका मतलब है किस क्वाड्रेंट में होगा, ये थर्ड में होगा। बाकी जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू यानी cos थीटा और cosecant की वैल्यू फाइंड करेंगे, उनके सिंबल के साथ हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। स्टूडेंट हमारे पास cot की वैल्यू दी गई है, cosecant हम कैसे फाइंड करेंगे, cosecant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट यहाँ पे cot की वैल्यू पुट करवाएंगे, क्या आ जाएगी, 15/8 का होल स्क्वायर, 1 + 15 का स्क्वायर क्या होता है 2, 25, और 8 का स्क्वायर 64।
तो स्टूडेंट यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 64, 64 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, 64 प्लस ये 64, 64 से कैंसिल, क्या आ जाएगा 225। इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 289 ओवर 64। तो ये वैल्यू आ रही है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू। हमें चाहिए सिर्फ कोसेकेंड थीटा की वैल्यू, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्टूडेंट अगर हम स्क्वायर रूट लें कोसेकेंड थीटा हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है 17 ओवर 64 का क्या होता है 8, तो ये प्लस माइनस में हमारे पास आएगा। अब क्योंकि ये क्वाड्रेट थर्ड है, थर्ड में कोसेकेंड नेगेटिव होता है, तो लिहाजा हम जो कोसेकेंड की वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे -17/8। कोसेकेंड आ गया। नेक्स्ट हमने कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस से पहले स्टूडेंट हम साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर फार्मूला यूज़ करने के बाद कॉस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो कोसेकेंड का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं, क्या आ जाएगी -8/17। कॉस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 1 - sin² θ की। तो यहाँ पे हम साइन की वैल्यू पुट करवाते हैं, क्या आ जाएगा -8/17² 1 - 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64 और 17 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 289। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमारे पास है 289 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 289 - 64, तो हमारे पास तो नेक्स्ट स्टूडेंट इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 225 ओवर आ जाएगा 289। इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -15/17। तो चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में कॉस थीटा क्या होता है नेगेटिव होता है, तो -15/17 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी।